हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2023 के 42वें मुकाबले के बारे में, जो कि काफी अच्छा मुकाबला खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान टीम के बीच में। 10 नवंबर को दोपहर में 2 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा। तो क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की उतर सकती है, कौन से बदलाव दोनों टीमों में देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ एक एक प्लेयर के रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम के लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। फ्री एंट्री भी वहां पर मिल जाएगी और फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे लिंक से आप फॉलो करना। मनी गुरु जी के नाम से टेलीग्राम है, लगभग 34,000 से ज्यादा यूजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। पिच रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, तो आप देखोगे टोटल जो मुकाबले इस ग्राउंड पर अभी तक खेले गए हैं वो 29 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए, उसमें 15 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, 14 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते। टॉस का यहां पर कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे पहले बल्लेबाजी हो चाहे बाद में बल्लेबाजी हो। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 243 का है, ये भी इतना ज्यादा नहीं है, हाईएस्ट 365 का बना है, लोवेस्ट यहां पर 85 का बना है, मतलब गेंदबाजों को भी अच्छी मदद यहां पर मिल सकती है। स्कोरिंग पैटर्न हम देखें, 200 से कम रन यहां पर 7 बार देखने को मिले, 200 से 249 के बीच में भी 7 बार स्कोर देखने को मिला है, 250 से 299 के बीच में 11 बार स्कोर देखने को मिला है, और 300 से ऊपर यहां पर 4 बार स्कोर देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर जो स्कोर बना है वो 250 से 299 के बीच में बना है। रिसेंटली हमने जो स्कोर इस ग्राउंड पर देखा है वो भी आप कहोगे इतना ज्यादा नहीं है, जैसा कि 237 253, फिर आप देखोगे यहां से 191 192 282 283 265 169, एक भी स्कोर यहां पर आप देखोगे बड़े मुकाबलों बड़ी टीमों के साथ मुकाबले हुए और एक भी स्कोर 300 के ऊपर यहां पर नहीं गया है पिछले 4 मुकाबलों में। पेसर ने हालांकि 43 विकेट लिए हैं, स्पिनर ने 20 विकेट लिए, मतलब स्पिनरों को भी अच्छी मदद यहां पर मिलती है। बात कर लेते हैं हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला हुआ है, वो भी जीता है साउथ अफ्रीका की टीम ने। साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीते, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं इनके पिछले 5 मुकाबलों में। प्लेइंग 11 देख लेते हैं, तो साउथ अफ्रीका की टीम से आप देखोगे क्विंटन डिकॉक है, टेम्बा बाउमा है, रशी वेंडेंडेशन, एडम माक्रम, हैंड्रिज क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जेंसन, यहां पर तबरेज शामसी या फिर जी कोजी में से कोई एक खेल सकता है, फिर केशव महाराज, रबाडा और एंगीडी, तो ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है साउथ अफ्रीका की तरफ से। स्टार्टिंग और लास्ट ओवर गेंदबाजों के बारे में बात करूं, मार्को जेंसन, एंगीडी और रबाड़ा आपको स्टार्टिंग के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, रबाड़ा एंगीडी और कोजी आपको लास्ट के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में देखें, प्लेयर स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा देखें, तो क्विंटन डिकॉक लास्ट मैच में जल्दी आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले 114, 24, 174, 4, 20, 109, रिसेंटली 3 शतक इनके बल्ले से आगे, मतलब अच्छे लय में इन्हें नजर आते हैं। अब आप देखोगे हेड टू हेड का एक ही मुकाबला ये खेले हैं, उसमें भी इन्होंने 68 रन की पारी खेली थी, फिर 2023 में 18 इनिंग में 893 रन 50 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं। टेम्बा बाउमा 11, 24, 28, 16, 35, 8, 46, 114, तो इनका प्रदर्शन अभी तक सिर्फ एवरेज से थोड़ा कम ही कहूँगा मैं। 2023 में 16 इनिंग में 54 की एवरेज से 769 रन इन्होंने बनाए हैं। आर वेंडेंडेशन बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं, हालांकि आप देखोगे लास्ट पेज में जल्दी आउट हो गए थे 13 पर, उससे पहले 133 रन की पारी खेली, फिर 21, 1, 60, 4, 26 और 108, मतलब रिसेंटली 2 शतक आए हैं, 1 अर्धशतक आया है इनके बल्ले से, मतलब अच्छे फॉर्म है। और साउथ अफ्रीका के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाजों में से मुझे एक नजर आते हैं, 2023 में इन्होंने 19 इनिंग में 38 की एवरेज से 718 रन भी बनाए हैं। एडम माक्रम के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि इनकी फॉर्म रिसेंटली ठीक ठाक नजर आ रही है, 9 रन 0 विकेट 6 रन फिर 91 60 42 156, मतलब अच्छा ही काम कहेंगे। 2023 में इन्होंने 59 की एवरेज से 19 इनिंग में 948 रन बनाए और 11 इनिंग में 5 विकेट भी निकाले, रिसेंटली ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे। अब बात कर लेते हैं हैंड्रिज क्लासेन के बारे में, रिसेंटली आप देखोगे 1 रन
15 रन, 12 रन, 90 रन, 109 रन, 28 रन, 29 रन। तो हेनरिक क्लासेन को या तो ज़्यादा मौके नहीं मिले, ज़्यादा मौके मिले हैं तो मतलब आप देख सकते हो कुछ बड़ी पारियां इनके बल्ले से जरूर निकली है। डेविड मिलर 11, 53, 29, 34, 5, 43, मतलब बल्लेबाजी जल्दी आ गई तो बड़े स्कोर में तब्दील करने की ये क्षमता रखते हैं। 2023 में 18 इनिंग में 665 रन, वो भी 48 की एवरेज से इन्होंने बनाए हैं। मार्को जेनसन इस सीजन बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 14 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 20 रन 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 75 रन प्लस 2 विकेट, कप्तान कप्तान तक का बनाकर चल सकते हो क्योंकि 19 इनिंग में 33 विकेट इन्होंने निकाले हैं 2023 में। साथ ही साथ 16 इनिंग में 37 की एवरेज से 406 रन भी बनाए हैं। काफ़ी लोग क्विंटन डिकॉक को इस मैच में कप्तान करके चलेंगे, अब बल्लेबाज हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट देकर जाते हैं। फिर जी कोजी जो कि इस मैच में खेल सकते हैं, लास्ट के कुछ मैचों में 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट इन्होंने लिया है। ओडीआई में 12 इनिंग में 25 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, मतलब डबल से ज़्यादा इन्होंने विकेट ले लिए हैं अभी तक। फिर आप देखोगे केशव महाराज बहुत कंसिस्टेंट बंदा है लेकिन विकेट उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे, 1 विकेट 1 मैच में 4 विकेट, फिर आप देखो 1-1 विकेट ही लिया है और 1 मैच में 40 रन भी बनाए थे। हालांकि हम लेते हैं तो प्रॉपर गेंदबाज के तौर पर ही बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर लेते, वो हम बोरस मान के चलते हैं। रबाड़ा की बात करें, रिसेंटली सभी मैचों में इन्होंने विकेट निकाले हैं, चाहे वो 1 विकेट हो, चाहे 2 हो या चाहे 3 विकेट हो, बेहतरीन विकेट ये निकाल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंगिडी के बारे में। एंगिडी आप देखोगे 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। अब हम बात कर लेते हैं सामने वाली टीम से, अफगानिस्तान की टीम से, जो आप देख रहे हो बल्लेबाज इब्राहिम जादरान लास्ट मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पारी खेल कर आ रहे हैं। फिर आर गुरबज उतनी अच्छी लय में नहीं है, रहमत शाह एच शाहिदी ने बेहतरीन फॉर्म दिखाई है, उमर जाई और भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, फिर अली खेले, मोहम्मद नबी है, राशिद खान थोड़े से कमजोर नजर आए हैं इस वर्ल्ड कप में, मुजीब और रहमान, नवीन उलग और नूर अहमद, ये प्लेइंग 11 अफगानिस्तान से उतर सकती है इस मैच में। स्टार्टिंग ओवरों में मुजीब और रहमान, फैजल, सॉरी गाइज यहाँ पर मैंने फैजल लिख दिया है, लेकिन लास्ट मैच में नवीन उलग खेले थे, तो भैया नवीन उलग ध्यान रखिएगा, मुजीब और रहमान, नवीन उलग और उमर जाई, ये स्टार्टिंग के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। फैजल नहीं है यहाँ पर, नवीन उलग या फैजल में से कोई एक खेलेगा या दोनों खेल सकते हैं, तो यहाँ पर आप फैजल को नवीन उलग मानकर चलिए, नवीन उलग, उमर जाई और राशिद खान आपको लास्ट के ओवरों में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब आप देखोगे इब्राहिम जादरान लास्ट मुकाबले में 129 रन की पारी खेली थी, याद ही होगा ग्लेन मैक्सवेल के 200 रन, एक तरफा मैच कर दिया था एक बार, तो इब्राहिम जादरान ने शतक लगाकर, फिर ऑस्ट्रेलिया के जल्दी विकेट गिर गए थे लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से जिता दिया था। तो भैया लेकिन इनका रोल बहुत अच्छा था, 129 रन, उससे पहले 20, 39, 87, 14, 28, 22, 25, उससे पहले भी सिर्फ एक ही बड़ी पारी आई है, बाई की एवरेज प्रदर्शन आया है। 2023 में इन्होंने 49 की एवरेज से 839 रन बनाए हैं 19 इनिंग में। आर गुरबीज 21, 10, 0, 65, 11, 80, 41, 21 और 47। रहमत शाह टीम के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज फिलहाल लग रहे, 30 रन 52 रन 62 रन और 77 रन वर्ल्ड कप में अच्छा काम किया है। एच शाहिदी 26, 56, 58, 48, 3 बार नाबाद रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। फिर आप देखोगे उमर जाई जो कि बल्ले से भी कमाल कर रहे हैं, 22 रन 31 रन, गेंदबाजी से भी विकेट लिए लास्ट मैच में 2 विकेट, उससे पहले हालांकि इनको 1 विकेट 2 1-1 विकेट मिला है, लेकिन 33 और 22 रन की अच्छी पारियां बल्ले से आई है इनके। ओडीआई में 36 का इनका एवरेज है, 21 इनिंग में 13 विकेट भी इन्होंने निकाले हैं। अली खेल 19, 58, 4, 1, 34, 34, 40, ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, कोई ज़्यादा खास नहीं कहूँगा, बल्लेबाजी ज़्यादा नहीं है ये फिलहाल। मोहम्मद नबी यही कहूंगा पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे, 1 मैच में 3 विकेट आए थे, बाकी कोई खास प्रदर्शन नहीं है। राशिद खान 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, राशिद खान का भी प्रदर्शन दमदार नजर नहीं आया है। लास्ट मुकाबले में 35 रन प्लस 2 विकेट, एक ही अच्छा काम किया है वर्ल्ड कप में मुझे ऐसा लगता है। फिर मुजीब और रहमान 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 28 रन प्लस 3 विकेट, 2023 में 19 इनिंग में 21 विकेट निकाले हैं। नवीन उलग 2 विकेट 0 विकेट 2 2 1 0 1, तो ये आप प्रदर्शन देख सकते हो। नवीन उलग ने हालांकि ठीक ठाक काम किया है अपनी टीम के लिए और ओडी में 14 इनिंग में 22 विकेट निकाले हैं। नूर अहमद भी अच्छा काम कर रहे हैं, 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, 6 इनिंग में हालांकि ओडी में 7 विकेट ही इन्होंने लिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम मेरी टीम के बारे में।
सबसे पहले बात करें विकेट कीपर सेक्शन में, तो मैंने क्विंटन डिकोक को अपनी टीम में लिया है। हैंड्रिच क्लासेन का अच्छा ऑप्शन है, आर गुरबेज का अच्छा ऑप्शन है, आप लेकर चल सकते हैं लेना चाहें तो। फिलहाल मैंने क्विंटन डिकोक एक ही विकेट कीपर बल्लेबाज लिया है। बल्लेबाजी सेक्शन से मैंने आरविन डिजेशन को लिया है, इब्राहिम जादरान को लिया है और रहमत शाह को लिया है। तीन बेहतरीन बल्लेबाज और रहमत शाह अच्छा काम कर रहे हैं। फिर आप चाहें तो एश शाहिदी का ऑप्शन है, डेविड मिलर बल्लेबाजी क्रम नीचे रहता है। फिर टेम्बा बाउमा आपके लिए ग्रैंड लीग पिक बन सकते हैं, सिर्फ 13% लोगों की टीम में। मुझे इन पर भरोसा नहीं होता है, तो ज़्यादातर आपने देखा है मैं इनको अपनी टीम में नहीं लेता हूँ। तो फिलहाल यहाँ से मैंने रहमत शाह को लिया है, इब्राहिम जादरान को मैंने लिया है और मैंने लिया है आरविन डिजेशन को। तीन ऑलराउंडर मैंने लिए हैं, एडम माक्रम को मैंने लिया है, मार्को जेंसन को मैंने लिया है और उमर जाई को मैंने लिया है। मोहम्मद नबी ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। फिर गेंदबाज मैंने चार लिए, एक तो रबाड़ा हो गए, दूसरे राशिद खान, तीसरे केशव महाराज। तीन तो मेरे फिक्स होंगे, रबाड़ा, राशिद खान और केशव महाराज। तबरेज शामसी जो कि लास्ट मुकाबले में खेले थे, लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कोजी खेल सकते हैं जो कि हाई चांस है, तो यहाँ पर हम जी कोजी को ले सकते हैं अपनी टीम में। फिलहाल हम यहाँ से तबरेज शामसी को ही लेते हैं, लेकिन जी कोजी के खेलने के चांसेस थोड़े से मुझे हाई नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, एंगिडी का अच्छा ऑप्शन है। पहले अफगानिस्तान टीम की गेंदबाजी हो तो नवीन उलक को आप ले सकते हो, मतलब तबरेज शामसी वाला स्लॉट आप चेंजेस कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी नूर अहमद का भी ऑप्शन है। कप्तान और कप्तान की बात कर लेते हैं। कप्तान जो मेरे होंगे क्विंटन डिकोक होंगे, उप कप्तान मेरे मार्को जेंसन होंगे। उल्टा भी कर सकते हो, मार्को जेंसन को कप्तान करके उप कप्तान आप क्विंटन डिकोक को कर सकते हो। रशी वेंडन डेशन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, रबाड़ा का भी मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए टीम का प्रीव्यू देखते हैं। दोस्तों मेरी जो टीम है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों टीम बता रहा हूँ मैं माई मास्टर 11 के ऐप पर, जहाँ पर रोजाना आपको फ्री एंट्री मिलती है। माई मास्टर 11 ऐप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और मौके का फायदा उठाइएगा। ये टीम आप मोस्टली ऐप पर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप ये जो टीम है यहाँ पर आप मैक्सिमम एक टीम के 10 प्लेयर भी ले सकते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आप काफ़ी ऐप पर सेम बना सकते हो। तो आप देखोगे क्विंटन डिकोक को मैंने लिया है, लेकिन आर गुरबेज और हैंड्रिच क्लासेन का दोनों का अच्छा ऑप्शन है। बल्लेबाजी बढ़ाना चाहो तो आर गुरबेज और हैंड्रिच क्लासेन को अपनी टीम में लेकर आप चल सकते हैं। फिर मैंने लिया है रशी वेंडन डेशन, एडम माक्रम और रबाड़ा, हालांकि ये तीनों इंपोर्टेंट पीक है। फिर यहां से मार्को जेंसन, केशव महाराज, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है मेरी टीम में। फिर हम बात करें यहां से उमर जाई और राशिद खान, तो यहां तक मुझे मेरी टीम परफेक्ट नजर आती है। फिर इब्राहिम जादरान और आर रहमत शाह, दोनों कंसिस्टेंट बल्लेबाजी, दोनों शानदार काम कर रहे हैं अफगानिस्तान की टीम से। अब प्लेयर कौन बचे, प्लेयर बचे हैं जी कोजी। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इस मैच में इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं मिलती। तबरेज शामसी खेले थे, हालांकि देखने वाली बात यह तबरेज शामसी को फिर से खिलाया जाता है या कोजी खेलते, हाई चांस कोजी के खेलने के, तो मैंने कोजी को लिया है। लेकिन अगर ये नहीं खेलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जो प्रॉपर गेंदबाज होगा साउथ अफ्रीका का, हम उसे अपनी टीम में ले लेंगे। आप चाहे तो आर गुरबेज को ले सकते हो, हैंड्रिच क्लासेन को भी लेकर चल सकते हो, एच शाहिदी का भी ऑप्शन है, तो ये स्लॉट हम टॉस के बाद देखेंगे। कप्तान जो मेरे होंगे वो होंगे क्विंटन डिकोक, उप कप्तान मेरे होंगे मार्को जेंसन। लेकिन इसका उल्टा कर सकते हो, मार्को जेंसन को कप्तान करके आप उप कप्तान क्विंटन डिकोक को भी करके चल सकते हो। लेकिन इस मैच में पहले साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी आती है, तो प्रॉपर गेंदबाज की तरह ही ट्रीट कीजिएगा मार्को जेंसन को, अगर कप्तान बना रहे हो तो ये सोचना कि खाली प्रॉपर गेंदबाजी, हो सकता है बल्लेबाजी ही ना आए, ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो फाइनल टीम जो भी होगी मेरी टेलीग्राम पर बताऊंगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।